हरियाणा के आपमाला में आज छावनी के अनाज गोदाम रेलवे कॉलोनी में बड़ी धूमधाम से मनाया गया छठ पूजा का त्यौहार, जिसमें छठ की पूजा करते हुए महिलाओं ने बताया कि इस त्यौहार पर छठ माई की पूजा शाम को डूबते सूरज की पूजा की जाती है। उन्होंने बताया कि इस त्यौहार की पूजा 3 दिनों तक की जाती है। अम्बाला छावनी के अनाज गोदाम रेलवे कॉलोनी में बड़ी धूमधाम से ही मनाया गया छठ पूजा का त्यौहार। चलने की है जैसे जो पहनता हो, लेकिन सब लोग सारे नई नई कपड़े पहनते हैं। बदल पहनते पुत्र के लिए और सुहाग के लिए होता है। ये हर ये कार्तिक मास में होती है। ये हर साल हम लोग छठ पूजा का व्रत करते हैं। ये बहुत कठिन व्रत है। 24 घंटा हम लोग व्रत रहते हैं, जल में खड़े होते हैं, खड़े होकर के अर्घ लेते हैं सूर्य देव जी का। इसका महत्व क्या है, छठ पूजा का महत्व क्या है? पुत्र के लिए महत्व होता है, छठ पूजा सुहाग के लिए होता है। जैसे कोई हमारी मान्यता पूरी हो जाती है, जैसे किसी को बच्चे नहीं हो रहा है, जो कि बालक है, कन्या है, बाजिन है, सबके लिए व्रत मशहूर है। सबको ये व्रत मान करके हम लोग चलते हैं कि हाँ ये हमारे छठ पूजा के लिए। आप रहने वाले कहाँ के हैं? यूपी के। और यहाँ स्पेशल छठ पूजा के लिए है? आप यहाँ पे छठ पूजा के लिए आए हैं? आपका नाम? सुमन पांडे जी। सुमन पांडे जी, आप मुझे बताएंगे सुबह कितने बजे आप लोग उठ के इसका कार्यक्रम शुरू करते हैं? 4 बजे उठी क्या? तरकी वगैरह इसमें खाई जाती है? छठ पूजा पूजा किस तरीके से की जाती है इसकी, जो आपने आप पूजा? सूर्य भगवान डूबने लगते हैं, सूर्य को जल्दी आ जाए, बहुत जल्दी। हाँ जी मैम, आपने भी यही सब किया है? हाँ जी, हम लोग भी। आपका नाम क्या है? अलका पांडे। अलका पांडे, आप कहाँ के रहने वाले हो? बिहार से आए हुए। मतलब व्रत रखा जाता है? हाँ जी, बेटा पति परिवार सब शांति के लिए, सबके शांति के लिए व्रत रखा जाता है। ये कौन सी माता है जैसे यहाँ पे, ये मतलब छठ माता, ये कौन सी माता है? भगवान छठ माता की पूजा होता है। सूर्य भगवान और छठ सूर्य को अर्घ देते हैं हम लोग, एक सुबह भी देंगे। हाँ, ये व्रत आपका भी कल तक चलेगा? कितने दिन तक चलता है ये? 24 घंटे सुबह तक। और ये कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं यहाँ पे? कल पूरा दिन रहे, फिर आज रहे पूरा दिन, कल इसको व्रत छोड़ेंगे। निर्जला व्रत है? हाँ, निर्जला व्रत। तो ये यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं कहाँ कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग यूपी बिहार से ही रहते हैं। हर जगह यूपी बिहार में ज्यादा मनाते हैं हम लोग। धन्यवाद।